के स्टूडियो में और हमारे साथ है डेंचर की इंसर्शन की प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग डेंचर की इंसर्शंस की प्रॉब्लम की बात करेंगे। हमने एक बार जब डेंचर डिलीवर कर दिया तो यही खेल खत्म नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो हम लोग सीरियसली अब बात करते हैं डेंचर के इंसर्शन प्रॉब्लम्स की। तो हमारा क्या है, इतना इजी नहीं है ये कि एक बार हमने डेंचर बना दिया, डिलीवर कर दिया तो हमारा काम खत्म। हमारा जो पेशेंट है वो क्या बोलता है आके, उसको कोई भी दिक्कत होगी तो इससे क्या है, हमारा लॉस है। अगर हम एक बहुत अच्छा डेंचर बना के देते हैं तो क्या होगा, वो पेशेंट और पेशेंट लेके आएगा। तो बेसिकली हमारे क्लिनिक के लिए अच्छा यही है कि हम जो है एक अच्छा डेंचर बनाने के साथ साथ हम डेंचर के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको जाने और उनको सॉल्व भी करें। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं कि हम डेंचर तो दे देते हैं लेकिन डेंचर के देने के बाद असली डेंचर का खेल शुरू होता है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा डेंचर की प्रॉब्लम जो है वो किस किस वजह से होती है, पहले इसकी बात करेंगे, फिर कौन कौन सी वजह होती है ये बात करेंगे और उन वजहों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। इसमें हम क्लिनिकल पार्ट भी कवर करेंगे एज यूजुअल और हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट से भी होते हुए जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनका अगर क्वेश्चन आता है पोस्ट डेंचर इंसर्शन प्रॉब्लम्स तो वो भी आंसर लिख सकते हैं पॉइंट्स फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में। तो हम लोग अगर कॉजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो है बॉर्डर मोल्डिंग के अंदर इनएक्यूरेसी होगा। सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं। अगर मेरा बॉर्डर मोल्डिंग मैंने ठीक से नहीं किया, ओपन माउथ टेक्निक में मैंने बॉर्डर मोल्डिंग कर दिया, ओपन माउथ टेक्निक है, मुंह खोल के मैं बॉर्डर मोल्डिंग कर रही हूं, तो उस केस में क्या होगा, मेरा अगर ओवर एक्सटेंडेड फ्लैंज एरिया रखा है मैंने, यानी एक्सटेंशन को ठीक से नहीं किया, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा लूजनेस ऑफ डेंचर होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी डेंचर में बेसिकली बाद में। दूसरा हम लोग बात करते हैं जॉ रिलेशन की। तो जॉ रिलेशन रिकॉर्ड जो है मैंने ठीक से नहीं लिया है, या फिर मेरा जो फ्लैबी टिश्यूज हैं जो डिस्प्लेस कर दिए हैं जिन्होंने, देखिए हम पीछे की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंप्लीट डेंचर पढ़े हैं, सीक्वल ऑफ कंप्लीट डेंचर पढ़ा है, तो हम लोग ऑलरेडी उसमें बात कर चुके हैं कि अगर फ्लैबी टिश्यूज प्रेजेंट है तो हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होगा, अगर मेरा फ्लैबी टिश्यू होता क्या है और अगर फ्लैबी टिश्यू प्रेजेंट है तो मैं कैसे इंप्रेशन लूंगी, मैं कैसे जॉ रिलेशन करूंगी, कैसे टीथ सेटिंग करूंगी, हर कोई चीज फ्लैबी टिश्यूज की हम पीछे की वीडियो में बात कर चुके हैं। उसके बाद अगर मेरा टीएमजे प्रेजेंट है, टीएमडीज प्रेजेंट है, तो मेरा जॉ रिलेशन भी अफेक्ट होगा, मेरी मसल की टोनोसिटी पे भी जॉ रिलेशन रिकॉर्ड गड़बड़ाएगा और उस वजह से डेंचर में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा हम लोग बात करते हैं माउंटिंग की। अगर मैंने माउंटिंग ठीक से नहीं किया, जॉ रिलेशन के बाद हम लोग माउंटिंग करते हैं, माउंटिंग ठीक से नहीं किया तो भी मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथी हम लोग बात करते हैं लैब के प्रोसीजर्स की। लैब के प्रोसीजर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखियो अगर लैब, इतना लाइटली मत लीजिए, आप सोचते हैं कि क्या है, ठीक है ले लिया, लैब को दे दिया और काम खत्म, नहीं। फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल क्या करते हैं लोग, आजकल जो लोग को डेंचर बनाना नहीं आता है, जिनके डेंचर्स में प्रॉब्लम आती है वो क्या करते हैं, वो पेशेंट को बोलते हैं हाँ हाँ लैब वाले की गलती थी, लैब वाले की गलती थी। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या लैब की किस कमी से हमारा क्या है, क्या दिक्कत होती है। तो जब हम लोगों का प्रोसेसिंग के टाइम पे, हम लोगों ने तो ट्राइन करके दे दिया है लैब में, लेकिन अगर प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारा जो है हिल गया है, डिस्प्लेस हो गए हैं दांत, तो हमारे हिले हुए जो दांत हैं वो बाद में जो है वो डेंचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो फाइनल डेंचर बन के आएगा वो उसमें हमारे दांत जो है अलग हैं जो हमने ट्राइन किया था उससे। तो अगर हमारा उसके बाद हमारा फ्लास्किंग जो है वो ठीक से नहीं हुआ है तो उस वजह से भी हमारा जो है डेंचर में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर फ्लास्किंग के टाइम पे हमने फ्लास्क को बंद नहीं किया तो भी दिक्कत आ सकता है। उसके बाद जब हम लोग ट्रिमिंग और फिनिशिंग पॉलिशिंग करते हैं डेंचर में तो क्या होता है, हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, तो हमारे हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो है हमारे डेंचर में जो है वार्पेज आता है। तो पॉलिशिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम डेंचर को पॉलिश कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, तो हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते हैं और साथ साथ हम लोग पानी में डिप करते रहते हैं ताकि हमारे जो है वार्पेज ना हो। उसके बाद हमारा अगर हम लोग पूरा का पूरा डेंचर का काम कर रहे हैं, एक देखिए ऐसा नहीं है कि आज पेशेंट आया, आज के आज हमने कल हाथ के हाथ डेंचर डिलीवर कर दिया, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम लोगों ने बाहर लैब का काम कर रहे हैं और हम लोग पानी में डिप नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, फिर एक्रिलिक भी हमारा श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्या क्या कॉजेज है। अब हम लोग बात करेंगे हमारी
ये सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट डेंचर प्रॉब्लम्स, तो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्लेंट्स और उनको सॉल्व करने पे जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हमारी चार मोस्ट तीन मोस्ट कॉमन कंप्लेन है, चौथी कैटेगरी को हम लोग मिसलेनियस में डाल देते हैं कि बहुत सारी ये इधर उधर 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 एक्स्ट्रा मिला के वो सब हो गया। तो सबसे पहली कंप्लेन जो है हमारी, जो सबसे पहली कंप्लेन पेशेंट करता है, सबसे बड़ी कंप्लेन यही है कि मेरा डेंचर लूज है जी, हमने तो नया डेंचर बनवाया है लेकिन हमारा डेंचर जो है वो लूज है। ठीक है, तो ये कंप्लेन जो बहुत कॉमन होती है, और पेशेंट को इस चीज में सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी फिटिंग का डेंचर देना एक बहुत अच्छे प्रोस्थोडोंटिस्ट के हाथ की निशानी है, तो हम लोगों को इससे भी ओवरकम करना है। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, अब उसको करेक्ट कैसे करना है हमें वो भी देखना है। फिर ये तो हो गया लूजनेस ऑफ डेंचर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट जो होता है पेशेंट को यही कंप्लेन होता है नए डेंचर के साथ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर पेशेंट को नए डेंचर पहना है, ठीक है, और वो ठीक से नहीं रह पा रहा है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो भी एक पेशेंट की बहुत बड़ी कंप्लेन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेशेंट, ठीक है, फिटिंग ठीक है और कंफर्टेबल भी ठीक है, उसके बाद मोस्टली फीमेल पेशेंट जो होती है उनको ये वाली दिक्कत आती है, या फिर जो बहुत एस्थेटिकली जिनको वो होता है वो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोगों का क्या है, अगर हमारा अपियरेंस डेंचर का अच्छा नहीं दिख रहा है तो भी पेशेंट कंप्लेन करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस की, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फोनेटिक्स, स्पीच प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम। तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे, हम इस वीडियो में सिर्फ दो की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है पुअर अपियरेंस और मिसलेनियस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लूजनेस और डिस्कम्फर्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेंचर की, वो हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूजनेस से। सबसे पहली कंप्लेन जो पेशेंट लेके आता है, एक पेशेंट को डेंचर आपने दे दिया है लेकिन एक पेशेंट को एक अच्छी फिटिंग का डेंचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट एकदम आते ही तो आप बोल दोगे कि ठीक है भैया डेंचर तुम्हारा लूज है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिक्स ऑन लगाओ और ये लगाओ, थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हर बार इस चीज से काम नहीं चलता है। पेशेंट जो होगा जब बोलता है तो डेंचर गिर जाता है, जब हंसता है तो डेंचर गिर जाता है, जब खाता है तो डेंचर गिर जाता है। तो ये सारी चीजों के साथ जब पेशेंट परेशान होकर आपके पास आता है और आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छे डेंटिस्ट नहीं कहलाते हैं, एक आप अच्छे प्रोस्थोडोंटिस्ट नहीं कहलाते। तो सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारी है डेंचर की लूजनेस की बात। अगर हम बात करते हैं डेंचर की लूजनेस की, तो तीन चीजें हैं, देखिए हमारे पास तीन चीजों में बात करेंगे। या तो हमारा एक सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी राइट इट डाउन दूसरे पेन से। तो सबसे पहले लूजनेस की बात करते हैं, तो या तो मेरा रिटेंशन कम हो रहा है, ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं कि हमारा या तो रिटेंशन कम हो रहा है, या फिर मेरा जो मस्कुलेचर है, ठीक है वो, या फिर मेरे जो डिस्प्लेसिंग फोर्स है, कोई भी एक कारण ऐसा, कोई भी चीज अगर स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज अगर लूज है, लूज है तो इसका मतलब क्या है कि या तो उसमें पकड़ नहीं है या फिर कोई और चीज उसको गिराई जा रही है, ठीक है। और तीसरी चीज हम लोग क्या बात करते हैं, उसको सपोर्ट ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो हम लोग लूजनेस में बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसिंग फोर्सेस अगर बढ़ जाते हैं और सपोर्ट प्रॉब्लम्स की। रिटेंटिव फोर्सेस का कम हो जाना सबसे बड़ा फैक्टर है लूजनेस के लिए। इसको हम अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो हम लोग अगर बोल रहे हैं डिस्प्लेसिंग फोर्सेस की, देखिए अगर मेरे डिस्प्लेसिंग फोर्सेस बढ़ जा रहे हैं, यानी कि मेरे एक डेंचर को पकड़ खा के रखने में, रिज पे बैठने में कोई और हिला के गिरा रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि डेंचर जो है लूज हो रहा है। डिस्प्लेस कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे डिस्प्लेस करते हैं एक डेंचर को, तो वो है मेरा ओवर एक्सटेंडेड बॉर्डर्स। तो जो मेरे बॉर्डर्स हैं, देखिए अगर मेरे बॉर्डर ओवर एक्सटेंडेड है तो मेरा क्या है, वेस्टिबुलर एरिया, आइट साइड के जो मसल्स हैं वो फोर्स लगाएंगे और मेरे डेंचर को डिस्प्लेस कर देंगे, अपनी जगह पे नहीं रहने देंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्लूजन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं ऐसी। सिर्फ ऐसा नहीं कि मस्कुलेचर प्रॉब्लम ही है, बहुत सारी देखिए डिस्प्लेसिंग फोर्सेस बढ़ जाते हैं ऑक्लूजन की वजह से। बहुत अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ा है वो ही ये बात जानता होगा कि ऑक्लूजन प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डेंचर होता है। अगर मेरे एंटीरियर और पोस्टीरियर प्रीमेच्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं
तो वो क्या करती है, डिस्प्लेस करती है मेरे डेंचर को। अगर मेरा मैक्सिमम इंटरकस्पेशन जो है, देखिए मैक्सिमम इंटरकस्पेशन है जहां पे मेरा दांत से दांत जो है वो एकदम टाइट कॉन्टैक्ट ले रहा है, और सेंट्रिक रिलेशन जो है मेरा वो देखा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारी बात करेंगे, इसके बाद हम वीडियो है हमारी जॉ रिलेशन पे, उसमें हम सेंट्रिक रिलेशन पे देखिए, बहुत मेरे पास बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि मैम सेंट्रिक रिलेशन एकदम समझ में नहीं आता, तो हम लोग सेंट्रिक रिलेशन पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। सेंट्रिक रिलेशन टीथ से कोई रिलेशन नहीं है सेंट्रिक रिलेशन का, सेंट्रिक रिलेशन का जॉ से मतलब है, ठीक है, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो जो मेरा मैक्सिमम इंटरकस्पेशन है वो सेंट्रिक रिलेशन से अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उसका क्या एक रीजन है, ये है कि मेरी अनकंट्रोल्ड या तो मैंडिबुलर मूवमेंट हो रही है, फिर पुअर रिज है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या क्या है, अगर मेरा क्लास टू स्केलेटल है तो वो भी ऑक्लूजल प्रॉब्लम्स क्रिएट करके मेरा डिस्प्लेस कर रहा है डेंचर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं नॉन एनाटॉमिक दांत दे रही हूं, ठीक है, उस केस में भी मेरे दांत जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं मेरे डेंचर को। उसके बाद अगर मान लो मेरा लास्ट दांत जो है बहुत पीछे तक मैंने प्लेस किया हुआ है, ठीक है, तो जो है मेरा तभी भी जो है डिस्प्लेसिंग फोर्स ज्यादा हो गए हैं, और जो बीच में अड़ रहा है और वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है मेरे डेंचर को। उसके बाद अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा प्लेन ऑफ ऑक्लूजन जो है, ऑक्लूजन पे भी हमारी वीडियो आने वाली है आपके पास बहुत जल्द ही, तो हमारी ऑक्लूजन, अगर आप चाहते हैं कि ऑक्लूजन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऑक्लूजन पे डिटेल वीडियो चाहिए, या सिर्फ आप चाहते हैं कि मैं ऑक्लूजन पे एक रनिंग वीडियो बनाऊं या डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, अगर मेरा ऑक्लूजल प्लेन जो है वो मेरा करेक्ट नहीं है तो भी मेरा क्या है, जो डिस्प्लेसिंग फोर्सेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसिंग फोर्सेस बढ़ गए, अगर हम लोग बात करते हैं सपोर्ट ही नहीं है मेरे पास। देखिए तीन चीजें हैं लूजनेस में, अगर कोई चीज लूज होती है तो या तो वो पकड़ नहीं खा रही है, या फिर कोई और डिस्प्लेस कर रहा है उसको, या फिर उसके पास सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट का नहीं होने का रीजन जो है हमारे पास वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस केस में सपोर्ट नहीं होता है, जिस केस में हम लोगों के पास फाइब्रस रिज होती है, ठीक है, तो फाइब्रस डिस्प्लेसेबल रिज होती है मेरे पास, तो वो भी क्या करती है, सपोर्ट कम प्रोवाइड करती है, इसीलिए हमारा डेंचर लूज होता है। तो रिज भी एक फैक्टर है डेंचर लूजनेस के लिए। इसके लिए अगर आप हमारी पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है, अगर रिज ही नहीं है, देखो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये सब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे डेंचर के रिटेंशन के लिए, तो उसके अंदर हम लोग सपोर्ट में हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर मेरी जितनी बोन होगी उतना सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, है ना, ये बात हम सबको पता है। लेकिन अगर हमारे रिज ही नहीं है, अगर हमारे पास बोन ही नहीं प्रेजेंट है, तो हम सपोर्ट कहां से लेके आएंगे, ठीक है। या फिर मेरा और भी बहुत से फैक्टर हैं जो कि सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मेरे पास बोनी प्रोमिनेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इनको, अगर मेरे पास सपोर्ट ही नहीं है तो मैं कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, तो ऑफकोर्स ये बात है कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वन टाइम सोल्यूशन फिक्स ऑन, जो कि हमारा क्या है, डेंचर एडहेसिव है, ठीक है। तो हम लोग एडहेसिव डाल के हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। तो अभी तक हमने बात किया है डिस्प्लेसिंग फोर्सेस, लूजनेस की बात कर रहे हैं हम, हमारा डेंचर लूज किस किस रीजन से हो सकता है, या तो मेरा रिटेंटिव फोर्सेस जो है वो कम हो, या मेरा डिस्प्लेसिंग फोर्सेस जो है वो बढ़ जाए, या फिर मेरे डेंचर में सपोर्ट ही नहीं है। डिस्प्लेसिंग फोर्सेस में हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारे बॉर्डर्स जो है वो ओवर एक्सटेंड हो गए हैं, तो उस वजह से भी डिस्प्लेस करेंगे बॉर्डर, डेंचर डिसलॉज होगा, डिस्प्लेस होगा। उसके बाद हमारा फिटिंग प्रॉपर नहीं है। उसके बाद मेरी ऑक्लूजल प्रॉब्लम्स के अंदर हमने बोला कि प्री मेच्योरिटीज अगर आ जाती है मेरी एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो भी हमारे ऑक्लूजल फोर्सेज जो है वो डिस्प्लेस कर देंगे डेंचर को। अगर मेरा मैक्सिमम इंटरकस्पेशन और सेंट्रिक रिलेशन दोनों एक नहीं है, सीडी के केस में हम दोनों एक रखते हैं, अगर हमारा दोनों एक नहीं है तो भी मेरा डिस्प्लेसिंग फोर्सेस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट दांत जो है वो बहुत पीछे तक डाला तो भी वो डेंचर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ऑक्लूजन इंटरफेयर करेगी, और अगर हमारा प्लेन ऑफ ऑक्लूजन भी करेक्ट नहीं है तो भी वो इंटरफेयर करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की, तो अगर मेरा फ्लैबी टिश्यूज है तो वो सपोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, उसके बाद अगर रिज भी नहीं है तो वो भी कहां से सपोर्ट लाएंगे, जब बोन ही नहीं होगी तो सपोर्ट कहां से आएगा, तो रिटेंशन कहां से आएगी, तो मेरा डेंचर लूज होगा ही होगा। उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, हम लोग इन सारे केसेस में डेंचर एडहेसिव देते हैं जहां पे हमारे पास सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रिटेंशन रिटेंटिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे कम हो गए हैं, ठीक है। लूजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे रिटेंटिव फोर्सेस जो हैं वो कम हो गया, यानी कि जो चीज पकड़ खा रही थी डेंचर को वो अब पकड़ नहीं खा रही है, तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चार चीजें, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं चार चीजें। एक तो ये है कि मेरा सील ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मेरा सील नहीं बनेगा तो मेरा पकड़ नहीं खाएगा। पकड़ खाने के लिए, रिटेंशन बढ़ाने के लिए सील अच्छी चाहिए, तो अगर सील नहीं होगी तो डेंचर लूज होगा। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि मेरे इंप्रेशन के सरफेस में अंदर एयर एंट्रैपमेंट हो गया, तो अगर मैं बोल रही हूं कि एयर एंट्रैपमेंट हो गया तो भी क्या है, स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो भी रिटेंशन नहीं होगी, तो डेंचर क्या होगा मेरा, लूज होगा, ठीक है, इंप्रेशन सरफेस, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग क्या, हमारे डेंचर की जब रिटेंशन की बात करते हैं हम लोग, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा कौन सा प्ले करता है, आपको पता है, आपके सबके मुंह में है वो, बिना डेंचर गिरे हुए, बिना सीढ़ी बने हुए भी आपके मुंह में है वो, क्या है वो चीज, वो है हमारा सलाइवा। सलाइवा जो है हमारा सक्शन का काम करता है, चिपकाता है एडहेजन, कोहेजन, कैपिलरी एक्शन, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, वो सारी चीजें हैं जो डेंचर को रिटेंटिव बनाती हैं। तो वो मेरा क्या है, अगर लॉस हो जाएगा तो मेरा डेंचर भी लूज हो जाएगा। देखिए, अगर मुझे एक पेपर से एक पेपर चिपकाना है तो मुझे फेविकोल की जरूरत है, अगर बीच का फेविकोल ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, वो चिपकेगा नहीं, यानी रिटेंशन नहीं होगी, इसका मतलब वो लूज हो गया है, तो लूजनेस है। तो जीरोस्टोमिया यानी लैक ऑफ सलाइवा जो है वो भी मेरा क्या करता है, रिटेंशन को लॉस कराता है। और तीसरा मेरा, फोर्थ पॉइंट मेरा क्या आता है कि अगर मेरा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है वो पुअर है, यानी कि मेरी मसल्स ही नहीं पकड़ खाना चाह रही हैं, मेरी मसल्स ही नहीं चाह रही हैं कि मेरा रिटेंशन ना हो, मेरे रिटेंटिव फोर्सेस जो है जो मसल पकड़ खा रही है वो पुअर है, तो उस वजह से भी क्या होगा, मेरा रिटेंटिव फोर्सेस कम होंगे, उस वजह से भी मेरा डेंचर लूज होगा, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। तो हमारे चार फैक्टर कौन कौन से आते हैं, ये हमारे चार फैक्टर हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेंचर के लूजनेस में, हम लोग बोल रहे हैं कि जब हमारा डेंचर लूज होता है तो रिटेंटिव फोर्सेस कम के अंदर हम लोग तीन चीजें बात की हैं डेंचर के लूजनेस में, एक रिटेंटिव फोर्सेस कम हो जा रहे हैं, एक डिस्प्लेसिंग फोर्सेस बढ़ जा रहे हैं, एक हमारे सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिटेंटिव फोर्सेस कम हो जा रहे हैं, तो हमारी सील नहीं बन रही है, यानी रिटेंशन चाहिए तो पकड़ चाहिए, पकड़ नहीं है तो सील नहीं बन रही है, ठीक है। सील नहीं बन रही है, किस किस वजह से मेरी सील नहीं बनेगी, आपको भी पता है किस किस वजह से नहीं बनेगी, अगर मैंने बॉर्डर मोल्डिंग ठीक नहीं की है तो उस केस में मेरा क्या होगा, सील नहीं पकड़ खाएगी, या तो मैं क्या कर दूं, अंडर एक्सटेंड कर दूं बॉर्डर को, ठीक है। अगर मैंने अंडर एक्सटेंड कर दिए हैं बॉर्डर्स, ठीक है, वो किस केस में किया है मैंने, वो मैंने किए मेरे बॉर्डर मोल्डिंग ठीक से नहीं किया, वहां पे मेरे अंडर एक्सटेंशन, यानी देखिए अगर मेरे बॉर्डर ही मैंने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो मेरी जो है सील प्रॉपर नहीं बन पाएगी, क्योंकि पूरे वेस्टिबुलर बॉर्डर्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया बॉर्डर्स की बात, पेरिफेरल की बात, अगर मैं डिस्टल एक्सटेंशन की बात करती हूं तो मैंने अगर पीपीएस रिकॉर्ड नहीं किया है तो भी मेरा सील पीछे से नहीं होगा, तो मेरा पोस्टीरियर सील नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में पीपीएस जो है मुझे बॉर्डर मोल्डिंग के टाइम पे हो सके तो मैं तो आपको ये भी बोलूंगी कि आप प्राइमरी इंप्रेशन में भी आप पीपीएस मार्क कीजिए, पीपीएस मार्क करके एक्सटेंशन सेक्यूरेट कीजिए, और फिर उसके बाद सेकेंडरी इंप्रेशन में आप बॉर्डर मोल्डिंग करते हुए पीपीएस रिकॉर्ड कीजिए ही कीजिए। तो अगर हमारा अंडर एक्सटेंशन किया है पीपीएस को तो भी हमारा लूज डेंचर होगा, अगर मेरा ओवर एक्सटेंशन कर दिया है तो भी मेरे डिस्प्लेसिंग फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो वो डेंचर को गिरा देगा, ठीक है। अगर मैंने इनसफिशिएंट डेप्थ में रिकॉर्ड किया है पीपीएस, यानी डेप्थ पूरी की पूरी नहीं लिया, तो भी मेरा सील जो है वो लैक करेगा। सील के लिए क्या चाहिए, मुझे सील के लिए चाहिए आगे से लेके पीछे तक एकदम पैक्ड क्लोज रहे डेंचर टिश्यूज के साथ, तो उसमें एक तो हमारा क्या है, पेरिफेरीज नहीं रिकॉर्ड हुई है और पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर नहीं रिकॉर्ड हुआ, ये तो होगी दो चीजें। तीसरी चीज, एक और चीज है जो सील को जो है बनने से रोकती है, वो मेरी क्या है, वो मेरी है इन इलास्टिसिटी जो है चीक्स की। अगर मेरे चीक्स इलास्टिक नहीं है, ठीक है,
तो चीक भी एक फैक्टर है कि अगर इलास्टिक नहीं है तो वो सील नहीं बनने दे रहे हैं. तो इन इलास्टिसिटी ऑफ द चीक यूजुअली हमारा एजिंग के साथ भी होता है. और भी डिजीज है जैसे कि स्क्लेरोडर्मा हो गया या फिर ओएसएमएफ हो गया, इन सब केसेस के अंदर जो है हमारी इलास्टिसिटी नहीं रहती है चीक्स की, ठीक है, तो खाना खाने के टाइम पे जो है हमारा गिर जाता है डेंचर. तो उन सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं ताकि हमारी सील जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर रहे. अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट. अभी तक हमने बात की है कि सील प्रॉपर नहीं बनी है. अगर मेरे रिटेंटिव फोर्सेस कम हो गए तो एक रीजन ये भी है कि इंप्रेशन सरफेस जो है मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है. हाँ, तो उसमें क्या हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो है फिटिंग ठीक नहीं आया, ठीक है. तो मेरा पुअर फिटिंग है डेंचर का, उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, या तो मैंने इंप्रेशन जो है वो कम लिया है, ठीक है, इंप्रेशन कम लिया तो इंप्रेशन आया भी कम है, तो हमारा इंप्रेशन खुद अपने आप में ही डेफिशिएंट हो गया, या फिर मेरा कास्ट डैमेज हो गया, ठीक है. उस केस में भी क्या है, मेरा लूज हो जाएगा क्योंकि हमने उसी कास्ट के ऊपर ही, सेकेंडरी कास्ट के ऊपर ही बनाना है. तो अगर मेरा डैमेज हो गया सेकेंडरी कास्ट में तो वो सब केसेस में भी, अगर मेरा डेंचर वार्प्ड हो गया है, ठीक है, उस केस में भी क्या है, मेरा वार्पेज आ गया अगर, तो उस केस में भी मेरा डेंचर लूज होगा. वार्पेज आ गया तो उस केस में भी मेरा डेंचर जो होगा लूज होगा. और अगर मैंने इंप्रेशन सरफेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी, ये तो सब पुअर फिट के अंदर है, ठीक है, ये सब मेरा क्या है, पुअर फिट के अंदर है. अगर मैं बात कर रही हूं कि मेरा इंप्रेशन सरफेस को मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं. अगर मैंने मेरा इंप्रेशन सरफेस जो है उसमें क्या आते हैं, नोड्यूल्स बन के आते हैं, अगर मैंने इंप्रेशन सरफेस से नोड्यूल्स हटाने के चक्कर में इंप्रेशन सरफेस को ज्यादा ट्रिम कर दिया तो भी मेरा क्या होगा, पुअर फिटिंग होगी, लूज हो जाएगा, क्योंकि इंप्रेशन सरफेस को तो हम टच ही नहीं करते हैं, ठीक है. तो मेरा जो है ओवर एडजस्ट कर दिया मैंने इंप्रेशन सरफेस को, तो उस केस में भी मेरा क्या है, फिटिंग जो होगा वो पुअर होगा, ठीक है. इंप्रेशन सरफेस को तो टच ही नहीं करना होता. अब इसको कैसे ठीक करेंगे, प्रेशर इंडिकेटिंग पेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर देखेंगे कि जहां पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है सिर्फ वहां वहां पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है. तो जो हमारा एयर बीनीथ द इंप्रेशन सरफेस है, एक तो ये हो गया इसके अंदर कि हमारा फिटिंग पुअर है, ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा रिज जो है उसके अंदर हमारे अंडरकट्स प्रेजेंट है. अगर मेरे रिज के अंदर अंडरकट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, मेरा रिटेंशन लूज होगा. जैसे कि बोल रही हूं मैं कि ओवर ट्रिमिंग कर दिया मैंने इंसर्शन के टाइम पे, मेरे अंडरकट आ रहे हैं, मैंने ट्रिम कर दिया ताकि घुस जाए डेंचर इजीली, तो उस केस के चक्कर में मैंने क्या किया है, ज्यादा ट्रिम हो गया और मेरा डेंचर ही लूज हो गया. ये भी होता है जब शुरू में आप लोग क्लिनिक्स में एंटर करते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि आप ना पाथ ऑफ इंसर्शन बनाने के चक्कर में जो है अंडरकट ज्यादा है तो आप ट्रिम कर देते हैं और फिर ज्यादा ट्रिम हो जाता है और मेरा डेंचर ही लूज हो जाता. तो इस केस में अगर मेरे यूनिलैटरल अंडरकट प्रेजेंट है तो हम लोग पाथ ऑफ इंसर्शन रोटेशनल देते हैं, यानी कि डेंचर अगर सीधा नहीं घुस रहा तो थोड़ा सा टेढ़ा करके, थोड़ी सी टिल्ट करके, इंक्लिनेशन करके हम लोग डेंचर को घुसा देते हैं. और हम लोग रीलाइनर भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट रीलाइनर दे सकते हैं पेशेंट को, डेंचर लूज हो जाता है. तो यूजुअली डेंचर लूजनिंग के केस में हम लोग रीलाइनर से लगा के देते हैं. उसके बाद मैं बात कर रही हूं कि हमने रिलीफ ज्यादा कर दिया है, ठीक है. अगर मैंने रिलीफ ज्यादा दे दिया है, हाँ, पहले कहीं से पेशेंट को चुभ रहा था और रिलीफ करते 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 ज्यादा रिलीफ कर दिया तो भी मेरा डेंचर जो होता है वो लूज हो जाता, ठीक है. अब हम लोग, ये हो गया हमारे डेंचर लूजनेस के दो फैक्टर. तीसरा मैंने बोला, अगर मुझे रिटेंशन चाहिए तो मुझे क्या होगा, मेरा थूक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ग्लू है एक जो म्यूकोसा के साथ डेंचर को चिपकाता है. अगर मेरा ये ग्लू ही चला गया तो मेरी चिपक चली जाएगी. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जीरो स्टोमिया होता है. कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें जीरो स्टोमिया होता है? तो जीरो स्टोमिया मेरा होता है डायबिटीज में होता है, ठीक है, और टाइम के साथ डायबिटीज में भी होता है. और बहुत सारे ड्रग्स को ही पेशेंट ले रहा है, जैसे कि एट्रोफिन ले रहा है ना, ड्रग्स, ठीक है, एट्रोफिन ले रहा है, या फिर मेरा इफेड्रिन ले रहा है, या फिर मेरा फिनोथाइजिन ले रहा है, ठीक है, और ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन ले रहा है, वो सब केसेस में ड्रग्स में क्या है, जीरो स्टोमिया हो जाता है. फिर मेरा मेनोपोज, एज के साथ भी मेनोपोजल जो वुमेन है उनमें भी आप पाएंगे कि उनको भी जीरो स्टोमिया होता है, ठीक है. उसके बाद अगर कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसमें तो बहुत भयंकर होता है. अगर रेडिएशन थेरेपी चल रही है जीरो स्टोमिया भी होता है, कैंडिडियासिस भी होता है, ठीक है, अगर मेरी रेडिएशन थेरेपी के बाद भी होता है, ठीक है. उसके बाद अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन,
देखिए माल न्यूट्रिशन में भी जीरोस्टोमी होता है, तो विटामिन डेफिशिएंसी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी, और मेरे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी जीरोस्टोमिया होता है, ठीक है। या फिर मेरा सलाइवरी ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मेरा अगर हो गया है साइलोलिथियासिस, ठीक है, अगर मेरा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, वो ब्लॉक हो गया है, सलाइवा नहीं निकल रहा है, वो भी एक केस है मेरा जीरोस्टोमिया के केस में। तो इन सब केसेस में हम लोग सलाइवा अलग से पढ़ेंगे, उसमें हम लोग रोल ऑफ सलाइवा में बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे हम लोग। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग ड्रग अगर देना चाहें तो पिलोकार्पिन दे सकते हैं हम लोग, और हम लोग ये चूसने वाली वो दे सकते हैं, कैंडीज दे सकते हैं, ठीक है, च्युइंगम्स होती हैं, माउथ वॉशेज होते हैं, अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेज, अल्कोहल वाले माउथ वॉशेज से जीरोस्टोमिया होता है, अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेज देते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इंप्रेशन टेक्निक्स होती है, डेंडम इंप्रेशन टेक्निक होती है जो हम जीरोस्टोमिया के केसेस में करते हैं, जीरोस्टोमिया हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जीरोस्टोमिया अगर थूक नहीं होगा तो भी मेरे रिटेंशन फोर्सेस कम होंगे, मेरा डेंचर जो है वो लूज होगा। अगर मैं बात करती हूं कि मेरे पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, अगर मेरे मसल्स पे ही कंट्रोल नहीं है तो भी मेरा रिटेंटिव फोर्सेस जो होगा वो बहुत कम होगा और मेरा डेंचर जो होगा वो लूज होगा। अब देखिए, अगर मेरा करेक्ट शेप का नहीं है डेंचर, अगर मेरी टंग जो है वो डेंचर को डिस्प्लेस कर रही है, अगर मेरा ओल्ड डेंचर जो है उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज हो गया है, या फिर मेरा कोई न्यूरोनल लीजन हो गया है, न्यूरोनल लीजन हो गया, फेशियल पैल्सी हो गया या फिर बेल्स पैल्सी हो गया, तो उन सब केसेस में भी क्या है, जो मेरा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल चला जाता है, जो मेरी फेशियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है जब, तो मेरा फेस की जो मसल्स जो भी जितनी भी सप्लाई कर रही है, मोटर सप्लाई है जो फेस की नर्व्स जो है, फेशियल नर्व, हमारी वीडियो है अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं एनाटॉमी में, तो हम अगर हमारा जो है फेशियल नर्व की पैरालिसिस होगी या मोटर, स्पेशली मोटर ब्रांच की जो कि मेरे मसल्स को सप्लाई करती है, तो वो भी मेरा पुअर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कराता है। तो इन सब में क्या करते हैं हम लोग, इस सब में हम ऐसी जगह पे दांत अरेंज करेंगे जहां पे हमारे जो है चीक का फोर्स और अंदर से हमारी टंग का फोर्स इक्वल है, ठीक है, उस एरिया में हम लोग दांत को अरेंज करेंगे कि ना तो टंग पुश कर रही है और ना ही मेरे चीक्स पुश कर रहे हैं, तो वो मेरी जोन जो होती है जहां पे मेरे टंग के फोर्सेस और चीक के फोर्सेस इक्वल होते हैं वो हमारा होता है न्यूट्रल जोन, तो उसमें हम लोग टीथ अरेंज करते हैं, ठीक है। ओ गॉड, तो हमारा फाइनली जो है लूजनेस ऑफ डेंचर कंप्लीट हुआ है, अभी हम वीडियो खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा डिस्कम्फर्ट भी बाकी है, हाँ, तो हमारे साथ अभी लगे रहिए, बने रहिए। आई नो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम लोग क्लिनिक में बात करते हैं सिर्फ डेंचर देने से काम नहीं चलता, ठीक है, डेंचर आपका सिर्फ ये हो गया कि हमने पेशेंट को डेंचर दे दिया और भैया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या है, डेंचर को करेक्ट, जो पेशेंट कंप्लेन लेके आता है वो कंप्लेन किस वजह से हो रही है पहले ट्रीट करने के लिए ये फाइंड आउट करना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद क्या है हमें जो डेंचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना है। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं लूजनेस ऑफ द डेंचर, उसके अंदर तीन चीजें पड़ी हैं, हमारे रिटेंटिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, हमारे डिस्प्लेसिंग फोर्सेस बढ़ जाते हैं और हमारे सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है। रिटेंटिव फोर्सेस हमारे घटेंगे किस किस वजह से, देखिए या तो इंप्रेशन सरफेस के अंदर एयर आ गया है, ठीक है, या फिर हमारा सील चला गया है, या फिर मेरा थूक कम बन रहा है, जीरोस्टोमिया आ गया, या फिर मेरा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं। डिस्प्लेसिंग फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो हम लोग ओवर एक्सटेंडेड बॉर्डर है या ऑक्लूजन प्रॉब्लम हो गई जिसमें MIP और CR इक्वल नहीं है, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर प्री मेच्योरिटीज की वजह से है, या फिर लास्ट जो दांत है वो हमने बहुत दूर करेक्ट प्लेस किया है, ठीक है, मेरा प्लेन ऑफ ऑक्लूजन सही नहीं है। सपोर्ट की बात करते हैं तो रिज ही नहीं है तो सपोर्ट कहां से आएगा, या फिर मेरा डिस्प्लेसेबल टिश्यूज है जो डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जिस वजह से मेरा डेंचर लूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, बस थोड़ा और 5 मिनट और हम ये वीडियो में लूजनेस और डिस्कम्फर्ट जो कि बहुत बड़े इश्यूज हैं इंसर्शन के बाद के, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कम्फर्ट की, पेशेंट को जो है हमारा बहुत सारे कॉजेस हैं जिसके साथ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट दे दिया भेज दिया, वो शुरू में कभी कभी क्या होता है हमारा डिस्कम्फर्ट पेशेंट को पता नहीं चलता है, तो हम लोग यूजुअली हम क्या बोलते हैं, हम पेशेंट को डेंजर देके भेज देते हैं, हम बोलते हैं फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। तो फॉलो अप का एक रीजन ये भी होता है कि जो पेशेंट को कहीं पे भी जो है डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो आके हमें बताता है, ठीक है। तो इससे पहले कि पेशेंट खुद आए डिस्कम्फर्ट के साथ, आप हमेशा 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 पेशेंट को फॉलोअप के लिए जरूर बुलाइए, ठीक है।
तो डिस्कम्फर्ट जो है तीन चीजों से रिलेटेड हो सकता है, या तो डिस्कम्फर्ट मेरा है इंप्रेशन, एक सेकेंड, या तो मेरा डिस्कम्फर्ट हो रहा है इंप्रेशन सरफेस की वजह से, यानी इंप्रेशन सरफेस जो है मेरा, इंप्रेशन सरफेस जो है वो उससे रिलेटेड है, इंप्रेशन सरफेस में कुछ है कि जिससे मेरा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यूजुअली हमारे ये नोड्यूल वोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हम लोग बात करेंगे, या फिर मेरा क्या है पॉलिश सरफेस की वजह से है, जो बाहर पॉलिश सरफेस है। अब बोलोगे मैम पॉलिश इंप्रेशन सरफेस का तो मुझे पता है, पॉलिश सरफेस का क्या है, तो पॉलिश सरफेस का हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और अगर जो लोगों ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, बीडीएस के स्टूडेंट है, अमेज हो जाएंगे ये बात सुन के जो मैं बोलने वाली हूं अभी, कि ऑक्लूजन सर्फेसिस की वजह से भी हमारा जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। तो हमें टीथ सेटिंग, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो टीथ सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहते कहते तो मैं एम्फेसिस देते देते थक गई अपने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को कि टीथ सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगर इंप्रेशन सर्फेस से बात करते हैं, तो हमारा इंप्रेशन सर्फेस जो है उसमें अगर मेरे शार्प नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं, देखो जब हम लोग डेंचर जो है हमने क्योरिंग के अंदर डाल दिया, उसके बाद जब हमारा एक्रिलाइजेशन हो गया, क्योर हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो मेरा रफ, थोड़ा रफ सरफेस होता है, ऑफकोर्स सी बात है, एकदम कितना भी तुम वैक्स ट्राइन के टाइम पे जो है कितना भी वो कर लो, वो थोड़ा तो रफ सरफेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग फिनिशिंग पॉलिशिंग करते हैं डेंचर का। तो जैसे कि बाहर फिनिश्ड पॉलिश सर्फेस पे करते हैं, ऐसे ही हमारे इंप्रेशन सर्फेस पे भी जो होते हैं हमारे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो नोड्यूल्स अगर हम लोग नहीं हटाएंगे तो पेशेंट को चुभेंगे, पेशेंट को चुभेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। अगर हमने पोस्ट डैम जो है, ठीक है, पोस्ट डैम जो पीपीएस मार्क किया है, अगर पीपीएस मार्क हमने बहुत ज्यादा अंदर तक कर दिया है, पीपीएस की थिकनेस यानी बहुत ज्यादा पुश कर दिया है मैंने पीछे पीपीएस में जो है पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया में, मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, लोड लगा दिया है सॉफ्ट पैलेट की तरफ, तो क्या होगा, पेशेंट को थूक निकलने में डिफिकल्टी होगा और पेशेंट को खाने में भी डिफिकल्टी होगा, इवन पेशेंट को सोर थ्रोट भी होगा। तो अगर मैंने बहुत डीप पोस्ट डैमिंग किया तो भी पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। अगर मैंने ओवर एक्सटेंशन कर दिया है तो भी पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। अगर मैंने अंडरकट नहीं रिलीव किए हैं तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को अंडरकट या अटैचमेंट की जगह पे क्या होगा, इम्प्रिंज होगा, तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पेशेंट की, देखिए आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है उसकी, आई थिंक हमने आरआरआर रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन में ये वाला मैंने स्टोरी आपको उसमें भी बताई है कि नाइफ एज जो रिज होती है ना उसके ऊपर, ये देखिए एक सेकंड, देखिए एक तो होगा मैं इसके ऊपर प्रेशर डाल रही हूं, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रही हूं, तो मेरी जो रिज है वेल राउंडेड है उस पर प्रेशर डालेगा तो दर्द नहीं होगा। एक ये मेरा क्या है, पॉइंटेड रिज है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो तो चुभेगा। तो वैसे ही अगर मेरी रिज नाइफ एज हो गई, अगर नीचे से नोकीली है ऊपर से मैं अगर मैस्टिकेटरी फोर्सेस डाल रही हूं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, तो वो भी मेरे क्या है, इंप्रेशन सरफेस पे ही हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पॉलिश सरफेस की बात करती हूं तो मेरा जो डिस्टोबकल फ्लैंज एरिया है अपर डेंचर का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि तुम इंप्रेशन पढ़ो, इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हें सेकेंडरी इंप्रेशन, प्राइमरी इंप्रेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंडमार्क पता होना चाहिए। लैंडमार्क पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि अगर हम लोग डिस्टोबकल फ्लैंज एरिया किस लिए इंपॉर्टेंट है, कोरोनॉइड प्रोसेस, जैसे ही पेशेंट चबाएगा या फिर राइट लेफ्ट अपने जॉ को घुमाएगा तो मेरा जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, अगर तुमने डिस्टोबकल फ्लैंज एरिया नहीं रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो जो मेरा कोरोनॉइड नॉच है वहां पे मोटा रखा है, ऊपर पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ बहुत मोटा रखा है, यानी अपर डेंचर को पोस्टीरियरली डिस्टली डिस्टोबकली जो है मोटा रखा है, तो क्या होगा, तो पेशेंट को उसमें दिक्कत होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। तो इन सब केसेस में प्रेशर इंडिकेटिंग पेज लेते हैं, ठीक है, वही अगेन सॉफ्ट रीलाइनर्स लेते हैं। अब आप आओगे बोलोगे मैम ऑक्लूजल सर्फेसिस में भी दिक्कत होती है क्या? यस, डेफिनेटली ऑक्लूजल सर्फेसिस में भी दिक्कत होती है। जब मेरा पेशेंट का वीडी मैं कम कर देती हूं, ठीक है, अगर मैंने जॉ रिलेशन के टाइम पे वर्टिकल हाइट ठीक से मेजर नहीं किया तो मेरा क्या होगा, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वर्टिकल इस टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो वर्टिकल डायमेंशन घट जाए या बढ़ जाए तो क्या क्या दिक्कत होंगी, ठीक है। तो अगर मेरा वर्टिकल डायमेंशन घट जाता है, यानी कि पेशेंट की जो पहले वर्टिकल हाइट इतनी थी वो मैंने पेशेंट की वर्टिकल हाइट इतनी रख दी है, यानी घट गया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे चीक्स जो है वो दांत के अंदर बार बार आ रहे हैं, तो पेशेंट को क्या होगा, चीक बाइटिंग होगी, या फिर पेशेंट को क्या होगा, लिप बाइटिंग होगी, ठीक है। ये सब केसेस में भी खाना खाते हुए पेशेंट को दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद टंग बाइटिंग भी हो सकती है, अगर मैंने पेशेंट के दांत बहुत लिंगुअली लगाए हैं, देखिए
अगर मेरे पेशेंट के दांत जो यहाँ पे आने चाहिए थे, जो यहाँ पे मेरी टंग है, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, बार बार टंग बीच में आएगी तो टंग बाइटिंग भी होगी। तो ऑक्लूजल सर्फेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले बोल रहा है कि खाना खाने के टाइम पे पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। तो खाना खाने के टाइम पे जो है पेशेंट होगा या तो मेरे प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट है, जहां पे मेरे कॉन्टैक्ट करने चाहिए थे, ठीक है, वहां पे कॉन्टैक्ट नहीं करके पहले ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या फिर मेरा बैलेंस्ड ऑक्लूजन जो है वो लैक कर रहा है, ठीक है, मैंने ठीक से बैलेंस्ड ऑक्लूजन नहीं दिया। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे जो है पेन या अल्सरेशन होगा अगर, कब, जब मैंने, वही सेम बात, अगर मैंने जो मेरा CR है वो MIP के इक्वल नहीं रखा है, दोनों के दोनों सेम नहीं रखे हैं। CR और MIP क्या है, सेंट्रिक रिलेशन, जहां पे मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट, जहां पे कॉन्डाइल जाके रेस्ट पे रुकता है पीछे, ठीक है, ग्लेनॉइड फोसा में, तो वो मेरी सेंट्रिक रिलेशन है। मैक्सिमम इंटरकस्पेशन का है, जहां पे दांत से दांत टाइट कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों CD में हम इक्वल रखते हैं। अगर मैंने ये दोनों इक्वल नहीं रखे हैं, ठीक है, अगर मैंने लिंगुअल रखा है लोअर एंटीरियर रिज में, देखिए अगर मैं लिंगुअल रख रही हूं, एंटीरियर लोअर एंटीरियर दांत जो मैं प्लेस कर रही हूं मैंने बहुत अंदर लिंगुअल ही रखे हैं, तो भी पेशेंट को पेन अल्सरेशन होगा। और मैं अगर लेबियल रख रही हूं और इनसफिशियंट ओवरजेट कर रही हूं तो भी पेशेंट को पेन होगा। तो मैंने बेसिकली दांत किस में लगाने हैं, मैंने बेसिकली दांत लगाने न्यूट्रल जोन में, जहां से टंग के फोर्सेस जो हैं वो चीक के फोर्सेस के इक्वल रहें। तो फाइनली इसके साथ हम लोग पोस्ट डेंचर इंसर्शन प्रॉब्लम की दो मेजर प्रॉब्लम्स, जो कि हमारी लूजनेस ऑफ डेंचर है और हमारा डिस्कम्फर्ट है, दोनों की दोनों इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस की और बाकी के और फैक्टर्स की बात। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आप हमारे चैनल पे और वीडियो देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम और ऐसी वीडियोस बनाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और स्टे ट्यून्ड विद डेंटल पाठशाला।